महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जारी गतिरोध के बीच सभी की निगाहें एनसीपी चीफ शरद पवार पर थीं कि आखिर शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, क्या वो कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब शरद पवार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देकर सभी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र में जब से शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है, तभी से ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि अंदर खाने शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। खबरें आ रही थी कि एनसीपी शिवसेना को समर्थन देने के लिए तैयार है और कांग्रेस बाहर से दोनों की सरकार का साथ देगी, लेकिन इन तमाम अटकलों पर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान देकर विराम लगा दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के माहिर खिलाड़ी पवार ने कहा कि वो शिवसेना का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा। पवार ने कहा कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कहां से आती है मैं नहीं जानता। सूबे में बीजेपी और शिवसेना 25 सालों से गठबंधन में है, ऐसे में उन्हें ही सरकार बनानी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने हमें जो आदेश दिया है उसके आधार पर कांग्रेस एनसीपी विपक्ष में बैठेंगे। सरकार बनाने पर जो भी गतिरोध है उसे दूर करना चाहिए और सेना और बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगले एक दो दिनों में इस संबंध में सूचना मिलेगी कि शिवसेना और बीजेपी का साथ दशकों का है और आज भी दोनों साथ हैं। 8 तारीख महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया का आखिरी दिन है, ऐसे में इन दो दिनों में काफी कुछ देखने को मिल सकता है। अपने इस बयान में पवार ने जहां शिवसेना को झटका दिया है तो वहीं सूबे के सियासी क्रम को लेकर सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।